अस्सलामुअलैकुम जी, आज हम आपको विजिट करवा रहे हैं। ये 8 मरला घर बहेड़ुन लाहौर में ये लोकेटेड है। 30 बाई 60 इसका की डायमेंशन है। 30 फीट इसकी विड्थ है और 60 फीट लेंथ है इस प्लॉट की। इस तरह की 40 फीट रोड पे ये घर मौजूद है। ये इसका स्ट्रीट व्यू है। मेन रोड इसके बिल्कुल नियर टू है। पार्क इस ब्लॉक में मौजूद है। मस्जिद इस लोकेशन के बिल्कुल नियर टू है। ये आप देख सकते हैं स्पेनिश एलिवेशन में ये घर तैयार किया गया है। ये राइट साइड पर ये इसका टेरेस डिज़ाइन किया गया, पिलर दिए गए इसमें। बड़ा खूबसूरत इसका डिज़ाइन है। ये लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं ये विंडो दी गई है, डबल विंडो दी गई है। ये फर्स्ट फ्लोर पे इसके बेडरूम की विंडो है। बड़ा खूबसूरत इसका डिज़ाइन है। ये नीचे आपको डबल विंडो नज़र आ रही है। ये ड्राइंग रूम की विंडो है। ये इसके फ्रंट मेन वॉल डिज़ाइन की गई है। ये आउटर लॉन दिया गया इसमें, आप देख सकते हैं ग्रास यहाँ पर इंस्टॉल है। ये इसका इसमें रैंप दिया गया। ये इसके मेन डोर का डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं। बड़ा खूबसूरत इसका डिज़ाइन है, ब्लैक कलर में इसे पेंट किया गया। ये इसके रैंप का व्यू है। ये इसके फ्रंट एलिवेशन का व्यू है कम्प्लीट। ये इसकी इंट्रेस है। ये इसके गैराज का व्यू है, ये आप देख सकते हैं। बड़ा खूबसूरत इसका व्यू है। यहाँ पे आपकी एक बड़ी गाड़ी इजीली पार्क हो सकती है। ये इसकी फ्रंट वॉल डिज़ाइन की गई है, मोज़ेक वर्क हुआ है इसमें। इसके साथ आप देख सकते हैं ये गली दी गई है वेंटिलेशन के लिए इसमें। ये इसकी फ्रंट ओपन स्पेस दी गई है। इसके साथ आप देख सकते हैं ये डबल विंडो दी गई है इसमें। बड़ा खूबसूरत इसका डिज़ाइन है। ये विंडो ड्राइंग रूम की विंडो है। ये बाहर से फ्रंट एलिवेशन में ऐड हो रही है। ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे इसके बेडरूम की विंडो है। ये इसके गैराज का सीलिंग डिज़ाइन है। फैन यहाँ पे इंस्टॉल है। ये बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं मोज़ेक वर्क हुआ है। ये इसका मेन डोर है, ये आप देख सकते हैं सॉलिड वुड में इसे तैयार किया गया। ये इसके इंट्रेस है, सिंपल इसका सीलिंग डिज़ाइन है। ये बिल्कुल सामने लिविंग एरिया का मेन डोर दिया गया। ये राइट साइड पे आप देख सकते हैं ये स्टेयर्स दी गई, ऊपर इसके फर्स्ट फ्लोर को अप्रोच कर रही हैं। और ये हमारे लेफ्ट साइड पे इसके ड्राइंग रूम का डोर है। पहले हम इसका ड्राइंग रूम विजिट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं इन्वर्टर यहाँ पर इंस्टॉल है। ये लेफ्ट साइड पर डबल विंडो दी गई है। ये सेफ्टी के लिए इसमें यूज़ की गई है। बाहर से ये इसके फ्रंट एलिवेशन में ऐड हो रही है। नीचे ग्राउंड पर आप देख सकते हैं कम्प्लीट ये वुडन फ्लोरिंग है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है। फैन यहाँ पर इंस्टॉल है। ये इसके ड्राइंग रूम का व्यू है। ये बिल्कुल सामने ये आप देख सकते हैं काफ़ी वाइडर स्पेस है। स्टोर की ग्लास इसमें यूज़ किया गया। ये इसके ड्राइंग रूम को लिविंग एरिया से सेपरेट कर रहा है। ये इसके लिविंग एरिया का व्यू है। ये बिल्कुल सामने इसके मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है। खूबसूरत शैंडल यहाँ पर इंस्टॉल है। फैन यहाँ पर इंस्टॉल है। नीचे ग्राउंड पर आप देख सकते हैं ये टाइल वर्क हुआ है। 2x2 की टाइल यूज़ की गई है। इसके साथ ये इसकी मेन वॉल डिज़ाइन की गई है। इन्वर्टर यहाँ पे इंस्टॉल है। ग्लोब यहाँ पे इंस्टॉल है इस वॉल में, आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल सामने ये बेडरूम दिए गए हैं। ये बेडरूम्स के डोर हैं और ये इसके किचन का डोर है। ये इसके लिविंग एरिया की मेन एंट्रेंस है। ये इसका मेन डोर है। पहले हम इसका किचन विजिट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ये जेट ब्लैक और ऑफ वाइट कलर में इसमें कम्प्लीट ये कवर शीट यूज़ की गई और कम्प्लीट ये आप देख सकते हैं ये ब्रिक्स डिज़ाइन में टाइल यूज़ की गई इसमें वॉल के साथ। सिंक यहाँ पर इंस्टॉल है। फैन यहाँ पर इंस्टॉल है। बड़ा खूबसूरत जो है इसका कलर कॉम्बिनेशन है। ये हम वापस आ गए इसके लिविंग एरिया में। इसके साथ आप देख सकते हैं ये 2 बेडरूम दिए गए। पहले हम इसका ये फर्स्ट बेडरूम विजिट कर लेते हैं। ये इसके बेडशीट के वॉल डिज़ाइन की गई। इन्वर्टर यहाँ पर इंस्टॉल है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल और खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन है। फैन यहाँ पर इंस्टॉल है। ये विंडो दी गई, इसकी बैक गली की तरफ ओपन होगी। ये इसमें कवर स्पेस दी गई है। नीचे ग्राउंड पे आप देख सकते हैं ये 2x2 की ये टाइल यूज़ की गई है ग्रे कलर में, हल्के ग्रे कलर में। ये आप देख सकते हैं कमोड यहाँ पर इंस्टॉल है। ये कम्प्लीट इसमें टाइल वर्क हुआ है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है। एग्जास्ट दिया गया। ये वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है। मिरर सिंक यहाँ पर इंस्टॉल है। ये विंडो इसकी बैक गली की तरफ ओपन होगी। शावर स्पेस को आप देख सकते हैं ये प्रॉपर सेपरेट किया गया। ये इस बेडरूम का व्यू है कंप्लीट। ये इसका सीलिंग डिजाइन है। इसके साथ ये इसके सेकंड बेडरूम का डोर है। ये हम विजिट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने कवर्ड स्पेस दी गई है। ये विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए। इसकी साइड गली की तरफ ओपन होगी। इन्वर्टर यहाँ पर इंस्टॉल है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है। फैन यहाँ पर इंस्टॉल है। ये आप देख सकते हैं कि इसकी वॉल डिज़ाइन की गई है। नीचे ग्राउंड पर ये 2x2 की टाइल यूज़ की गई है इसमें। ये इसमें वॉशरूम दिया गया। ये आप देख सकते हैं कम्प्लीट यहाँ पर टाइल वर्क हुआ है। कमोड सिंक यहाँ पर इंस्टॉल है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है।
ये आप देख सकते हैं शावर सेट यहाँ पर इंस्टॉल है। ये विंडो दी गई वेंटिलेशन के लिए, इसकी बैक गली की तरफ ओपन होगी, एग्जास्ट दिया गया इसमें। ये इस बेडरूम का व्यू है कंप्लीट। ये हम वापस आ गए इसके लिविंग एरिया में, नीचे ग्राउंड फ्लोर हम कंप्लीट विजिट कर चुके हैं। ये दो बेडरूम दिए गए, अभी हम इसके लिविंग एरिया में मौजूद हैं। ये बिल्कुल सामने किचन स्पेस है, इसके साथ ये राइट साइड पे ड्राइंग रूम एरिया दिया गया। ये इसका मेन डोर है, अभी हम इसका फर्स्ट फ्लोर विजिट कर लेते हैं। इसके लिए हम वापस आ गए हैं इसकी लॉबी में। ये इसका मेन डोर है, इसके साथ ये राइट साइड पर आप देख सकते हैं प्रॉपर ये स्टेज, सेपरेट स्टेज दी गई हैं। ये ऊपर इसके फर्स्ट फ्लोर को अप्रोच करेंगे, डबल यूनिट घर है, ये ऊपर वाला पोर्शन आप सेपरेट यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये विंडो दी गई, इसमें वेंटिलेशन के लिए इसके साथ ये डोर दिया गया। ये इसके टेरेस की विंडो है, टेरेस का डोर है ये। ये हम ऊपर आ गया मैं इसकी लॉबी में फर्स्ट फ्लोर पे। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, ये टेरेस के डोर के साथ बिल्कुल फ्रंट पे ये बेडरूम का डोर दिया गया। इसके फ्रंट एलिवेशन वाली साइड का बेडरूम है, ये राइट साइड पे इसके लिविंग एरिया का मेन डोर है। ये आप देख सकते हैं ये इसके लिविंग एरिया का व्यू है, बिल्कुल सामने मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई। ये विंडो दी गई, इसकी साइड गली की तरफ ओपन होगी। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, फैन यहाँ पर इंस्टॉल है। ये आप देख सकते हैं प्रॉपर इसकी वॉल को डिज़ाइन किया गया, ये वुडन वर्क हुआ है, उसके बाद इसे पेंट किया गया। ये हॉल का व्यू है दूसरी साइड से, ये बिल्कुल सामने इसके किचन का व्यू है। ये आप देख सकते हैं सिंक बर्नर हुड यहाँ पर इंस्टॉल है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, फैन यहाँ पर इंस्टॉल है। ये वेंटिलेशन के लिए स्पेस दी गई, ये ऊपर इसकी छत की तरफ ओपन हो रही है। ये हम वापस आ गए इसके लिविंग एरिया में, इसके साथ ये दो बेडरूम दिए गए। पहले हम इसका ये फर्स्ट बेडरूम विजिट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने कबर्ड स्पेस दी गई, इसके साथ ये विंडो दी गई वेंटिलेशन के लिए, इसकी बैक गली की तरफ ओपन होगी। ये इसके बेडशीट की वॉल डिज़ाइन की गई, ग्लोब यहाँ पर इंस्टॉल है, इन्वर्टर इंस्टॉल है यहाँ पे। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, फैन यहाँ पर इंस्टॉल है। नीचे ग्राउंड पर आप देख सकते हैं 2x2 की टाइल यूज़ की गई ग्रे कलर में। ये इसमें वॉशरूम स्पेस दी गई, ये आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत कलर इसमें चूज़ किया गया टाइल में। सिंक मिरर यहाँ पर इंस्टॉल है, ये लाइट्स दी गई हैं। कमोड शावर सेट यहाँ पर इंस्टॉल है। ये विंडो दी गई, इसकी बैक गली की तरफ ओपन होगी। इसका सीलिंग डिज़ाइन है, ये हम वापस आ गए इसके लिविंग एरिया में। इसके साथ ये सेकंड बेडरूम का डोर है, ये हम विजिट कर लेते हैं। ये इसके बेडशीट की वॉल डिज़ाइन की गई, ग्लोब यहाँ पर इंस्टॉल है, ये आप देख सकते हैं। इन्वर्टर यहाँ पर इंस्टॉल है, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है। फैन यहाँ पर इंस्टॉल है, ये विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए। ये इसकी बैक गली की तरफ ओपन हो रही है। नीचे ग्राउंड पर आप देख सकते हैं 2x2 की टाइल यूज़ की गई। ये विंडो के साथ आप देख सकते हैं ये वाटर यूनिट दिया गया। ये कबर्ड स्पेस दी गई, इसमें ये वॉशरूम दिया गया। ये आप देखते हैं कमोड सिंक यहाँ पर इंस्टॉल है। ये वेंटिलेशन के लिए स्पेस दी गई, ऊपर इसकी छत की तरफ ओपन होगी। इसका सीलिंग डिज़ाइन है कंप्लीट, इसमें टाइल वर्क हुआ है। शावर स्पेस को इस वॉल से सेपरेट किया गया। एग्जॉस्ट यहाँ पर इंस्टॉल है। ये हम वापस आ गए इसके लिविंग एरिया में, ये हम कंप्लीट विजिट कर चुके हैं। ये दो बेडरूम दिए गए, अभी हम इसके लिविंग एरिया में मौजूद हैं। बिल्कुल सामने किचन स्पेस है, अभी हम इसका थर्ड बेडरूम विजिट कर लेते हैं। इसके लिए हम वापस आ गए हैं इसकी लॉबी में। ये आप देख सकते हैं ये इसके थर्ड बेडरूम का बेडशीट वॉल डिज़ाइन की गई। ये विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए, सामने से ये फ्रंट एलिवेशन में ऐड होगी। इसके बाद ये बालकोनी दी गई, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है। फैन यहाँ पर इंस्टॉल है, आप देख सकते हैं ग्लोब यहाँ पर इंस्टॉल है, इन्वर्टर इंस्टॉल है। ये नीचे ग्राउंड पर 2x2 की टाइल यूज़ की गई। ये कबर्ड स्पेस दी गई इसमें बेडरूम में, इसके साथ ये वॉशरूम दिया गया। ये आप देख सकते हैं ये वॉशरूम का बड़ा खूबसूरत इसमें कलर कम्बिनेशन है टाइल का। कमोड सिंक मिरर यहाँ पर इंस्टॉल है। ये वेंटिलेशन के लिए स्पेस दी गई, ऊपर इसकी छत की तरफ ओपन होगी। ये हम वापस आ गए हैं इसके लॉबी में। इसके साथ ये टेरेस का डोर है, स्टेयर्स के साथ ऊपर आते हैं ये टेरेस का डोर है। ये टेरेस हम विजिट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं इसके टेरेस का डिज़ाइन है,
कंप्लीट यहाँ पे टाइल वर्क हुआ है। ये फर्स्ट फ्लोर हम कंप्लीट विजिट कर चुके हैं, अभी हम इसकी छत और मम्मट विजिट कर लेते हैं। 100% 12 ब्लॉक में ये घर मौजूद है। 340 इस घर की डिमांड है। ये आप देख सकते हैं इसकी छत का मेन डोर है, ये मार्बल लगा हुआ है इसकी छत पे कंप्लीट, और ये सर्वेंट रूम दिया गया छत पे। ये इस ब्लॉक का व्यू है। जो दोस्त या क्लाइंट इसमें इंटरेस्टेड है, हमारा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, हम से रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।